और ये संबल और मुरादाबाद के बीच इसकी मैच होता हुआ 70,000 रुपये का ये मुकाबला है। दोनों ही टीमों में बहुत बहुत बड़े नाम हैं। संबल की टीम में परवेज खान, जावेद लाठी, सचिन खाबी, नौशाद सैफी, मोनू रहबर, और मुरादाबाद की टीम में मोनू मुरादाबाद, अर्जुन बाली, वासिफ, साजिद अहमद और भी काफ़ी नाम है जो मुझे याद नहीं है। 70,000 का ये मैच है। पहला ओवर लेकर चले अर्जुन बाली और पहली ही बॉल पर लंबा छक्का मार दिया है यहाँ पर सचिन खाबी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में लगता हुआ। ये संबल की ओर से पहला छक्का और ये 12 ओवर का मैच है। 3 ओवर का पावर प्ले है। पहली ही बॉल पर अर्जुन बाली के छक्का मार दिया है सचिन खाबी ने और ओवर की दूसरी बॉल लेकर चले अर्जुन बाली। सामने है सचिन खाबी और सचिन खाबी ने फिर से उठाकर मार दिया है पीछे फील्डर जड्डू और कैच आउट। सचिन खाबी के रूप में पहला झटका लगा यहाँ संबल को। बहुत बड़ा झटका है ये। पहली बॉल पर छक्का और दूसरी बॉल पर आउट हो गए। अर्जुन को मिलने वाली ये पहली सफलता मुरादाबाद के लिए। संबल को 6 रन पर लगता हुआ पहला झटका और सचिन खाबी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जावेद लाठी। बहुत ही ख़तरनाक बल्लेबाज हैं जावेद लाठी और चले तीसरी बॉल लेकर। पहली बॉल पर डिफेंस करके 1 रन जावेद लाठी ने खाता खोला। किसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुँचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर संभल का। एक बार फिर चले अर्जुन बाली अप्पू के लिए और अप्पू ने खेल दिया है पीछे फील्डर साजिद और अच्छी फील्डिंग साजिद द्वारा। काफ़ी खूबसूरत ये मैदान है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से हरियाली इस मैदान के अंदर। काफ़ी मेहनत लगी है इस ग्राउंड को बनाने में। एक बार फिर चले अर्जुन बाली अप्पू के लिए और अप्पू ने उठाकर मारा है पीछे, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है संबल का 11 रन। पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर चले अर्जुन बाली सामने अप्पू और अप्पू का पीछे फील्डर निखिल और कैच आउट। अप्पू के रूप में संबल को लगता हुआ दूसरा झटका और काफ़ी अच्छा कैच वहाँ निखिल दद्दा द्वारा। काफ़ी शानदार कैच था यहाँ निखिल दद्दा का। संबल को लगता हुआ ये दूसरा झटका 11 रन के स्कोर पर और अप्पू के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए उस्मानी और जावेद लाठी ने मार दिया है बहुत लंबा छक्का गेंद तारामंडल में। जावेद लाठी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का और संबल का स्कोर बढ़कर पहुँचा 17 रन और छोटू के स्पेल की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया है जावेद लाठी ने। छोटू चले इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर एक बार फिर से जावेद लाठी ने और जावेद लाठी ने फिर से मार दिया है घुटना टेक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जावेद के बल्ले से निकलते हुए दूसरी बाउंड्री इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुँचा 21 रन। काफ़ी शानदार और ख़तरनाक बल्लेबाज हैं जावेद लाठी। एक बार फिर चले छोटू जावेद लाठी के लिए और स्लोर वन बॉल उसे जाने दिया जावेद लाठी ने। कोई छेड़खानी नहीं बैट से जावेद लाठी द्वारा। काफ़ी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं जावेद लाठी क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं संभल के। काफ़ी सूझबूझ तरह से बल्लेबाजी करनी होगी जावेद और उस्मानी को। एक बार फिर चले छोटू जावेद लाठी के लिए और जावेद लाठी का फिर से अच्छा शॉट और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जावेद लाठी के बल्ले से निकलता हुई ये तीसरी बाउंड्री इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन। इनिंग का दूसरा ओवर काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें संबल की ओर से। 2 विकेट गिर चुके हैं पर उसका कोई भी प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है अब तक। एक बार फिर चले छोटू जावेद के लिए और जावेद ने फिर से पुल कर दिया है पीछे फील्डर अर्जुन बाली और ड्रॉप कर दिया फील्डिंग। एक और चौका
जावेद लाठी के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर संभल गया। काफ़ी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर छोटू अर्जुन वालिक ने काफ़ी अच्छे झटके दिए थे संभल को, और फिर से अच्छा शॉट पीछे हुआ, फील्डर मौजूद वासिफ और कीपर से मिसफील्ड, 1 रन और मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन। इनिंग का ये दूसरा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं छोटू, 2 ओवर की समाप्ति पे संभल का स्कोर है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अर्जुन बाली, काफ़ी शानदार पहला ओवर रहा अर्जुन बाली का, 2 बड़े झटके दिए थे संभल को, एक बार फिर से चले और फिर से अच्छा शॉट जावेद द्वारा, 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी अच्छा मैच हमें देखने को मिला है संभल और मुरादाबाद के बीच, 70,000 का ये मुकाबला है, देखते हैं ये 70,000 किसकी झोली में जाते हैं। एक बार फिर चले अर्जुन बाली उस्मानी के लिए, और अच्छा बॉल गेंद पैड पर लग के तेज़ी से थर्ड मैन के हाथों में, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 31 रनों पर रुका हुआ संभल का। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर, 12 ओवर का ये मुकाबला है। एक बार फिर चले अर्जुन वाली उस्मानी के लिए, और उस्मानी का अच्छा शॉट पीछे, फील्डर छोटू और अच्छी फील्डिंग, स्कोर बढ़कर पहुंचा संभल का 32 रन। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें अर्जुन वाली द्वारा, छोटू काफ़ी रन खर्च किए थे छोटू ने अपने ओवर में, काफ़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जावेद और उस्मानी। एक बार फिर से चले, और फिर से जावेद का अच्छा शॉट और गेंद भेज दिए तारामंडल में, जावेद के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैं जावेद लाठी, लाठी के नाम से जाने जाते हैं, और लाठी चला रहे हैं इस मैच में। स्कोर बढ़कर पहुंचा 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर संभल का। एक बार फिर से अर्जुन बाली जावेद के लिए, और जावेद ने फिर से उठाकर मार दिया है, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ, जावेद लाठी के बल्ले से निकलने वाला है ये तीसरा छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ जावेद लाठी, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया है यहाँ पर जावेद ने। टीम का स्कोर बढ़कर पहुँचा 44 रन। इनिंग का ये तीसरा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं अर्जुन बाली। एक बार फिर अर्जुन जावेद के लिए, क्या तीसरा छक्का होगा ये, और काफ़ी अच्छी वापसी यहाँ पर अर्जुन द्वारा, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। 3 ओवर के बाद संभल का स्कोर है 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं जड्डू, और काफ़ी अच्छा शॉट उस्मानी द्वारा, बहुत लंबा छक्का है ये, पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया है उस्मानी ने जड्डू की बॉल पर। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें संभल की ओर से, स्कोर बढ़कर पहुंचा 50 रन। इनिंग का ये चौथा ओवर है, 19 बॉलों पर 50 बना दिए हैं संभल ने। एक बार फिर जड्डू उस्मानी के लिए, और अच्छी बॉल वहाँ जड्डू द्वारा, एक और रन मिलता हुआ यहाँ। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 51। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए संभल के दोनों ही बल्लेबाज जावेद लाठी और उस्मानी, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें दोनों के द्वारा। स्कोर 51 रन। एक बार फिर से चले जड्डू जावेद लाठी के लिए, और क्लीन बॉल हटे और क्लीन बॉल कर दिया है जावेद लाठी को, जावेद लाठी को क्लीन बॉल कर दिया है जड्डू ने, और ये संभल को लगने वाला तीसरा झटका। और जावेद लाठी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करना है नौशाद, काफ़ी बड़ा विकेट जड्डू के द्वारा, काफ़ी बड़ा विकेट, और ये ख़राब फील्डिंग और 2 रन, स्कोर बढ़कर पहुँचा 53 रन। बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ जावेद लाठी के रूप में संभल को, 53 रन हो चुका है स्कोर। इनिंग का ये चौथा ओवर है जिसको अंजाम दे रहे हैं जड्डू। एक बार फिर जड्डू चले नौशाद के लिए,
और नौशाद का अच्छा शॉट, गेंद ऊंची भी और दूर भी, नौशाद के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, और इसी छः के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है संभल का 58 रन। एक बार फिर जड्डू चले नौशाद के लिए, और नौशाद का फिर से अच्छा शॉट और लगातार दूसरा छक्का यहाँ नौशाद के द्वारा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 64 रन। बड़ा विकेट लिया था यहाँ जड्डू ने और इतनी ही मार खा चुके हैं अब तक जड्डू। स्कोर बढ़कर पहुंचा 64 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर संभल का वास इनिंग का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए वासिफ। 4 ओवर के बाद संभल का स्कोर है 65 रन, सामने होंगे उस्मानी। और पहली बॉल सीधा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उस्मानी द्वारा। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 69 रन। एक बार फिर चले वासिफ और बल्ले पे ठीक से कनेक्ट नहीं हुई उस्मानी के, 1 रन और मिलता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 70 रन। एक बार फिर चले वासिफ नौशाद के लिए और कट कर दिया है पीछे फील्डर अज्जू, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ अज्जू द्वारा। स्कोर अभी भी 70 रन इनिंग का, ये 4th ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं वासिफ अली। एक बार फिर चले वासिफ नौशाद के लिए और नौशाद फिर से उठाकर मानना चाहते थे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अच्छी वापसी यहाँ वासिफ द्वारा, काफ़ी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं वासिफ। स्कोर अभी भी संभल का 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, तीनों ही बड़े विकेट आउट होने वाले। वासिफ नौशाद के लिए और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 71 रन। और चले वासिफ नौशाद के लिए और नौशाद का अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाज हैं नौशाद और दिखाते हुए वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। स्कोर बढ़कर पहुंचा 75 रन। एक बार फिर वासिफ चले नौशाद के लिए और नौशाद का फिर से अच्छा शॉट, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। काफ़ी ताबातोड़ बल्लेबाजी करते हुए हैं नौशाद सैफी। और 5 ओवर की समाप्ति पर संभल टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 79 रन। इनिंग का 6ठा और अपने कोटे का 2रा ओवर लेकर आए हैं जड्डू। और 1 रन और मिलता हुआ यहाँ स्कोर बढ़कर पहुँचा 80 रन। इनिंग का ये 6ठा ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं जड्डू। चले जड्डू नौशाद के लिए और नौशाद का ख़राब शॉट और अच्छा कैच यहाँ मोनू द्वारा, नौशाद के रूप में लगता हुआ है सब संभल को 4था झटका लगाए 80 रन के स्कोर पर, और जड्डू को मिलने वाली है दूसरी सफलता। और नौशाद के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शादाब, टीम के कैप्टन हैं ये शादाब। और चले जड्डू
और शादाब ने आते ही पहली बॉल पर बहुत लंबा छक्का मार दिया है और छक्के से खाता खोलते हुए यहाँ पर शादाब कैप्टन है जो टीम के, और आते ही पहली बॉल पर छक्का मार दिया है जड्डू की। टीम का स्कोर बढ़कर पहुँचा 86 रन। काफ़ी अच्छी रन गति देखने को मिल रही है हमें संभल की ओर से। इतने विकेट गिनने के बाद भी कोई दबाव नहीं है बल्लेबाजों के ऊपर। एक बार फिर जड्डू और अच्छी बॉल, शायद ये कैच था जो कि ड्रॉप कर दिया है मोनू ने। 4 विकेट गिर चुके हैं संभल के। आउट होने वाले बल्लेबाज नौशाद, जावेद लाठी, सचिन और अप्पू। और फिर से शादाब का अच्छा शॉट, पीछे फील्डर साजिद और कैच ड्रॉप, और इसी के साथ 4 रन और मिलते हुए इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 90 रन का। खराब फील्डिंग वहाँ साजिद के द्वारा, 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 6th ओवर। एक बार फिर जड्डू शादाब के लिए, और शादाब ने फिर से स्वीप शॉट और फिर से 4 रन। इसी 4 रन के साथ बाद में डाल दो वीडियो बना के, सही तो सर्किल से सर्किल। हाँ यार, तू कहाँ चलना है स्क्रीन पे, ओवर होने दे। अरे नहीं, ओवर से क्या मतलब। टीम का स्कोर है संभल का 94 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। क्या बताऊँ, और अब इनिंग का 7th ओवर अपने कोटे का। दूसरा ओवर लाए वासिफ, 1 रन और मिलता हुआ यहाँ। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 95 रन। एक बार फिर वासिफ चले शादाब के लिए, और शादाब का अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एक और चौका शादाब के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 99 रन। इनिंग का ये 7th ओवर है जिसको अंजाम दे रहे हैं वासिफ। एक बार फिर वासिफ नौशाद के लिए, और नौशाद ने फिर से उठाकर खेल दिया है। एक और चौका निकलता हुआ है नौशाद के बल्ले से। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर शादाब। सिर्फ बाउंड्रियों में डील कर रहे हैं शादाब। टीम का स्कोर 103 रन 100 रन पूरे होते हुए हैं संभल के। 7th ओवर में 103 रन हो चुके हैं। काफ़ी तेज़ रफ्तार से विकेट गिरने का कोई भी दबाव बल्लेबाजों पर देखने को नहीं मिला है संभल के बल्लेबाजों पर। एक बार फिर वासिफ चले शादाब के लिए, और फिर से अच्छा शॉट, वहाँ फील्डर अज्जू। सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा इसी 1 रन के साथ। संभल का स्कोर 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर वासिफ चले उस्मानी के लिए, और उस्मानी ने उठाकर मारा है पीछे फील्डर अज्जू, और काफ़ी अच्छा कैच अज्जू के रूप में। संभल को लगता हुआ ये 5वां झटका 104 रन के स्कोर पर। और उस्मानी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए तारिक, और अच्छी बॉल थी पर एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। इसी वाइट के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 105 रन। एक बार फिर वासिफ चले तारिक के लिए, और तारिक ने खेल दिया है सीधा शॉट, और काफ़ी अच्छा कैच, बहुत ही शानदार कैच वहाँ निखिल दद्दा द्वारा डाइव मारी और कैच कलेक्ट किया। संभल को लगता हुआ ये 6ठा झटका तारिक के रूप में। इनिंग का 8वां और अपने कोटे का 1st ओवर लेकर आए
वसीम बलदेवपुर से सामने होंगे शादाब, और शादाब ने उठाकर मारा है पीछे फील्डर जड्डू, और काफ़ी काफ़ी अच्छी ट्राइयाँ जड्डू के द्वारा, बहुत अच्छा एफर्ट था ये जड्डू का, संभल को ही है, अगर ये विकेट गिरता तो संभल को सातवां झटका लग जाता है ना। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अब्दुलरहमान, शानदार बल्लेबाज हैं अब्दुलरहमान, और वसीम चले पहली मर्तबा अब्दुलरहमान के लिए, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 106 रन। ये सबसे अच्छा बॉलर है, सबसे अच्छी बॉल डाल रहे हैं। एक बार फिर वसीम, और एम्पायर का इशारा नो बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 106 रन। एक बार फिर वसीम चले अब्दुलरहमान के लिए, और अब्दुलरहमान ने उठाकर मारा है पीछे फील्डर रोहित, क्या इस कैच को पकड़ पाएंगे, और काफ़ी आसानी से इस कैच को पकड़ लिया है, पर ये फ्री हिट थी। स्कोर बढ़कर पहुंचा 107। एक बार फिर से चले वसीम शादाब के लिए, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 110 रन। एक बार फिर वसीम चले शादाब के लिए, और अच्छी बॉल, काफ़ी अच्छा ओवर रहा है अब तक वसीम का, स्कोर अभी भी 110 रन। और शादाब ने उठाकर खेला है पीछे फील्डर अहमद, और अच्छा कैच, संभल को लगता हुआ ये शायद आठवां झटका 110 रन के स्कोर पर। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं परवेज़ खान, सामने होंगे वसीम, 12 ओवर का ये मुकाबला है, 8वां ओवर चलता हुआ, 70,000 का ये मैच है, और आसानी से जाने दिया है परवेज़ खान ने, अच्छा ओवर अब तक, शानदार ओवर रहा है अब तक वसीम का ये, अगर नो बॉल और वाइड नहीं फेंकते तो और अच्छा रहता है ये ओवर। एक बार फिर वसीम चले, और अच्छी बॉल, और आसानी से सिंगल मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 111 रन 8 ओवर की समाप्ति पर। और इनिंग का नवा और अपने गोटे का तीसरा ओवर लाए वासिफ, सामने है परवेज़ खान, और काफ़ी दिशाहीन बॉल, एक और वाइट, स्कोर बढ़कर पहुंचा 112 रन। एक बार फिर चले वासिफ परवेज़ खान के लिए, और आसानी से सिंगल लेते हुए परवेज़ खान बहुत समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 113 रन। एक बार फिर चले वासिफ अब्दुलरहमान के लिए, और दो लेना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज, और काफ़ी आसानी से दो रन मुकम्मल किए, इसी दो रन के साथ स्कोर
115 रन। दस रन तो बहुत आराम से लेंगे, ऐसा विकेट है यार, बहुत आराम से। एक बार फिर चले वासिफ, और अच्छा शॉट, सीधा शॉट, बहुत दूरी है इस शॉट में। रहमान के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का, इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 121 रन, 7 विकेट के नुकसान पर संभल का। एक बार फिर वासिफ चले अब्दुलरहमान के लिए, और फिर से अच्छा शॉट, और फिर गेंद उससे भी दूर, 1 और 6। अब्दुलरहमान के बल्ले से लगातार दूसरा छक्का, और टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 127 रन। बेहतरीन बल्लेबाज हैं ये अपने दौर के, क्रिकेट छोड़ दिया था, दोबारा वापसी करते हुए और अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ अब्दुलरहमान, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें अब्दुलरहमान के द्वारा। स्कोर 127, जो स्कोर रुक गया था पिछले ओवर में, अब थोड़ा बढ़ता हुआ। एक बार फिर चले वासिफ अब्दुलरहमान के लिए, और एक सिंगल लिया आसानी से, स्कोर बढ़कर पहुंचा 128। एक बार फिर वासिफ चले परवेज खान के लिए, और फिर से काफ़ी आसानी से सिंगल लेते हुए, पर मना कर दिया वहाँ पर अब्दुलरहमान ने। स्कोर बढ़कर पहुँचा 128 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। इनिंग का 10वां ओवर अपने कोटे का 3रा ओवर लाए अर्जुन बाली, सामने अब्दुलरहमान, और अच्छा शॉट, स्कोर हुआ है 129 रन। इनिंग का 10वां ओवर अभी भी इसके बाद। दो ओवर बाकी हैं इसके बाद, अभी भी स्कोर 129 रन हो चुका है संभल का, 7 विकेट के नुकसान पर। और चले अर्जुन बाली परवेज खान साहब के लिए, और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, इसी वाइट के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 130। एक बार फिर अर्जुन बाली परवेज खान के लिए, और फिर से खराब बॉल, एक और वाइट, स्कोर हुआ 131। इनिंग का 10वां ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं अर्जुन बाली। एक बार फिर अर्जुन बाली, और उठाकर मानना चाहते थे परवेज खान साहब, स्कोर अभी भी 131 रन लाया हो गया। एक बार फिर अर्जुन बाली परवेज खान के लिए, और परवेज खान ने खेल दिया है पीछे, फील्डर निखिल दद्दा, स्कोर हुआ 132। अरे सिंगल ही है परवेज, सिंगल ही है, तुम ट्राई करो ना इस पे। अबे दो ओवर है, खसाब खेलो, बहुत अच्छा खेल। एक बार फिर अर्जुन बाली परवेज खान साहब के लिए, स्कोर अभी भी 132 रन, काफी शानदार ओवर अर्जुन बाली द्वारा। एक बार फिर चले अर्जुन बाली परवेज खान साहब के लिए, और परवेज खान साहब ने खेल दिया है पीछे, फील्डर रोहित, एक रन और मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 133 रन। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 133 रन। इनिंग का 11वां ओवर अपने कोटे का 2रा ओवर लाए वसीम, सामने परवेज खान, और परवेज खान ने मारा है उठाकर
शायद ये छः होगा और हाँ ये छः है। पहला छक्का निकलता हुआ परवेज खान के बल्ले से, स्कोर बढ़कर पहुँचा 140 रन। बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये परवेज खान, काफ़ी अच्छा स्कोर हो चुका है संभल का 140 रन इनिंग का 11वां ओवर। इसके बाद लास्ट ओवर इनिंग का 12 ओवर का ये मैच 70,000 का ये मुकाबला। एक बार फिर वसीम चले परवेज खान साहब के लिए और फिर से परवेज खान ने उठाकर खेला है, पीछे फील्डर जड्डू, एक और रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुँचा 141। एक बार फिर चले वसीम अब्दुल रहमान के लिए और फाइट बॉल, इसी वाइट के साथ स्कोर 142। एक बार फिर चले वसीम और फिर से अच्छा शॉट, एक और छक्का है ये अब्दुल रहमान के बल्ले से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अब्दुल रहमान, स्कोर बढ़कर पहुँचा 148 रन। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अब्दुल रहमान, अपना अनुभव दिखा रहे हैं, काफ़ी पुराने चावल हैं ये, और दिखाते हुए कि मैं अभी भी बड़े बड़े छक्के मार सकता हूँ किसी बॉलर पर। स्कोर हो चुका है 148 रन। एक बार फिर से चले वसीम अब्दुल रहमान के लिए और फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर रोहित और आउट। 8वां झटका लगाया है यहाँ पर अब्दुल रहमान के रूप में, शानदार बल्लेबाजी की है अब्दुल रहमान ने 148 रन पर। 8वां झटका लगता हुआ है संभल को और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रहबर। और अच्छी बॉल यहाँ वसीम के द्वारा, स्कोर अभी भी 148 रन। एक बार फिर चले वसीम और अच्छा शॉट यहाँ पर रैबर का, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन और 152 रन, 150 रन पूरे होते हुए हैं संभल के 11 ओवर के बाद। स्कोर है संभल का 152 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का लास्ट 12वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं छोटू, सामने होंगे परवेज खान, देखते हैं कितना स्कोर खड़ा करते हैं इस ओवर में। लास्ट ओवर इनिंग का 152 हो चुके हैं संभल का और चले छोटू परवेज खान के लिए और कैच आउट, बड़ा झटका, नवा झटका है ये संभल को परवेज के रूप में 152 रन पर, और शायद ये संभल का लास्ट विकेट है। स्कोर 152, छोटू चले मोनू के लिए और अच्छी बॉल छोटू के द्वारा, स्कोर अभी भी 152। चले छोटू मोनू के लिए और मोनू का अच्छा शॉट और 6 रन, मोनू ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है, छक्का मार दिया है, बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ धोया। स्कोर बढ़कर पहुंचा 158 रन। और एक और उठाया है और कैच आउट और ऑल आउट हुई संभल 158 रनों पर, 159 रनों का टारगेट है ये। और ये सेकंड इनिंग शुरू होती हुई मुरादाबाद की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए निखिल दत्ता और साजिद, दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज हैं निखिल दत्ता और साजिद। ये मैच अगर मुरादाबाद को जीतना है तो 159 रन बनाने होंगे 12 ओवरों में, 70,000 का ये मैच है। और पहली बॉल काफ़ी शानदार बॉल मोनू के द्वारा, एक बार फिर चले मोनू निखिल के लिए और निखिल का अच्छा शॉट, बहुत लंबा छक्का है ये इस मैच का, सबसे लंबा छक्का निखिल के नाम अब तक का। और दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया है यहाँ पर निखिल दद्दा ने, शानदार बल्लेबाज है निखिल। एक बार फिर मोनू चले निखिल के लिए
और फिर से निखिल का अच्छा शॉट, कैन तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहाँ अफजल की, और दो रन आसानी से मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी दो रन के साथ मुरादाबाद का स्कोर बढ़कर पहुँचा 8 रन। एक बार फिर चले मोनू निखिल के लिए और हवा में बॉल पीछे फील्डर शादाब, थोड़ी सी उनसे दूर बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 109 रन। माफ कीजिए, स्कोर बढ़कर पहुंचा खाली 9 रन। पहला ओवर है जिसको अंजाम दे रहे हैं मोनू। और मोनू चले साजिद के लिए और साजिद का अच्छा शॉट, बहुत लंबा छ है ये, दूसरा छक्का इस ओवर का। स्कोर बढ़कर पहुँचे हैं 14 रन। एक बार फिर चले मोनू और फिर से ख़राब फील्डिंग वहाँ अप्पू द्वारा, कैच ड्रॉप, स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन। एक ओवर की समाप्ति पर मुरादाबाद का इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए परवेश खान, सामने होंगे साजिद। और पहली बॉल पर अच्छा शॉट और दूसरा छक्का साजिद के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 21 रन। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें मुरादाबाद के बल्लेबाजों के द्वारा। एक बार फिर परवेज़ खान चले साजिद के लिए और काफ़ी अच्छी वापसी वहाँ परवेज़ खान द्वारा, स्कोर अभी भी 21 रन। इनिंग का दूसरा ओवर, काफ़ी अच्छी शुरुआत है यहाँ मुरादाबाद की। एक बार फिर से अब अपने ओवर में तीसरी मरतबा चले परवेज़ खान साहब साजिद के लिए और साजिद का फिर से अच्छा शॉट और पीछे फील्डर सचिन खावी, अच्छी फील्डिंग सचिन द्वारा और रन आउट होने का खतरा, काफ़ी तेज़ रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर हुआ 123, माफ़ कीजिए 23 रन। एक बार फिर परवेज़ खान चले साजिद के लिए और फिर से साजिद का अच्छा शॉट और एम्पायर का इशारा, 6 रन। साजिद के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का, स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन। मुरादाबाद की काफ़ी शानदार बल्लेबाजी साजिद के द्वारा। एक बार फिर परवेज़ खान चले साजिद के लिए और फिर से अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग मनोशाद के द्वारा, स्कोर हुआ है 30 रन। इनिंग का ये दूसरा ओवर है, संभल का भी 2 ओवरों में 30 रन था स्कोर, और देखते हैं मुरादाबाद का कितना होता है। अभी भी इस ओवर की एक बॉल बाकी है, शायद 30 रन हो चुके हैं अब तक। और चले परवेज़ खान साहब और अच्छा शॉट, एक और चौका निखिल के बल्ले से निकलता हुआ, काफ़ी महंगा ओवर, 34 रन। दो ओवर की समाप्ति पर संभल का स्कोर। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए रहबर, सामने है साजिद। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें साजिद के द्वारा, भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पावर प्ले का दोनों ही बल्लेबाज। और फिर से अच्छा शॉट और एक और 6 साजिद के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा छक्का, इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है मुरादाबाद का 40 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर साजिद, किसी भी बॉलर को टिकने नहीं दे रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं साजिद।
एक बार फिर रहबर चले साजिद के लिए, और फिर से अच्छा शॉट, एक और छः, शानदार छक्के मार रहे हैं यहाँ पर साजिद। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुँचा 46 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर रहबर, और फिर से अच्छा शॉट, गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, एक और चौका साजिद के बल्ले से निकलता हुआ। दिमाग लगा ले भाई। टीम का स्कोर 50 रन पूरे होते हुए यहाँ मुरादाबाद के, मात्र 16 बॉल पर 15 बॉल पर 50 रन पूरे हो गए मुरादाबाद। एक बार फिर चले रैबर साजिद के लिए, और फिर से साजिद का अच्छा शॉट, बहुत ही शानदार शॉट है, एक और छः। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर साजिद, 56 रन टीम का स्कोर मुरादाबाद का, 30 रही ओवर में पूरा कर लिया है। लगता है ये मैच जल्द ही ख़त्म कर देंगे अगर साजिद खड़े रहे तो। एक बार फिर चले रहबर साजिद के लिए, और फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर अफजल, अच्छी फील्डिंग, स्कोर बढ़कर पहुँचा 57 रन। काफ़ी तेज़ रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं साजिद, 57 रन हो चुके हैं। बॉल में कोई भी धार नज़र नहीं आ रही है संभल के बॉलर्स में। तीन छक्के और एक चौका आ चुका है इस ओवर में, काफ़ी महंगा ओवर है ये इस इनिंग का, सबसे महंगा ओवर। अभी भी एक बॉल बाकी है इस ओवर की, और फिर से रिवर्स स्वीप, क्या कर रहा है अबू जाना, और शायद खराब फील्डिंग, एक रन और मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन। तीन ओवर के बाद स्कोर है 58 रन मुरादाबाद का। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए मोनू, स्कोर है 58 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर भरपूर फायदा उठाया पावर प्ले का मुरादाबाद के बल्लेबाजों ने। एक बार फिर मोनू निखिल दद्दा के लिए, और निखिल दद्दा का अच्छा शॉट, बेहतरीन कवर्स पे की दिशा में 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 62 रन मुरादाबाद का। इतनी तेज से रफ्तार से रन बनाए, लगता है बहुत जल्दी इस मैच को ख़त्म कर देंगे और 70,000 अपनी झोली में डाल लेंगे मुरादाबाद के बल्लेबाज। बहुत ही तेज़ रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 62 रन हो चुके हैं सिर्फ 19 बॉल पर। एक बार फिर मोनू चले निखिल के लिए, और फिर से वाइड, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 64 रन। हाँ यार, एक बार फिर चले मोनू निखिल के लिए, और निखिल ने फिर से रिवर्स स्वीप और कैच आउट। चल डाल के जरा बॉल यहाँ को लग के, अच्छा कैच अबू जाना के रूप में, पहला झटका लगाया निखिल दद्दा के रूप में मुरादाबाद को 64 रन के स्कोर पर। तो एक बार फिर मोनू तैयार है, मोनू वर्सेस मोनू, कोई बेहतरीन गेंद हवा में शॉट सीधा फील्ड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट मारा सीधे 6 रन, और स्कोर इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचा 70 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी जिसको अंजाम दे रहे हैं मोनू, और पहली गेंद पर मोनू ने सामना किया और पहली गेंद पर एक लंबा छक्का लगा दिया है। एक बार फिर मोनू तैयार है मोनू के लिए, एक बार फिर स्लिप में फील्डर अगर खड़ा होता मौका बन सकता था, लेकिन हल्की थी मिस फील्ड, सीधे 4 रन, और इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 74 रन। और मोनू 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मुरादाबाद के बैट्समैन, बेहद खतरनाक बल्लेबाज मोनू। और ये 70,000 रुपये का मैच चल रहा है 12 ओवरों का संभल के ग्राउंड में सेठ कासिम क्रिकेट स्टेडियम में। और एक बार फिर मोनू के बल्ले से अच्छा शॉट, अप्पू जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे एक रन आसानी से मिल जाएगा। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 75 रन। ओवर हो गया, बल्ला चेंज क्यों करवा रहा हूँ।
तो अब स्ट्राइक पर आए साजिद, जो कि बहुत लंबे लंबे छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में। पूरा भरपूर फायदा उठाया था, तीन ओवरों का पावर प्ले था जिसका भरपूर फायदा उठाया था। तीन ओवरों में 58 रन बना दिए थे। एक बार फिर मोनू स्ट्राइक पर है साजिद, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए साजिद, और एक बार क्लीन बोल्ड कर दिया है मोनू ने, और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मुरादाबाद क्रिकेट क्लब का। 75 रन के स्कोर पर मोनू ने एक ही ओवर में दो सफलताएं, क्लीन बोल्ड कर दिया, एक स्टंप अहमदाबाद में पहुंचा दिए हैं। तो एक बार फिर रहबर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। पहला ओवर बहुत महंगा साबित हुआ था, तीन छक्के और एक चौका और दो सिंगल आए थे। एक ओवर में 24 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक रहबर। अब स्ट्राइक पर है मोनू, मुरादाबाद के धुरंधर बल्लेबाज मोनू, और स्लो गेंद और बेहतरीन गेंद, आसानी से एक रन मिल जाएगा और दूसरे रन के लिए तैयार हैं, और दूसरा रन लेने के निकल गए हैं। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेगा आसानी से दो रन मिल जाएंगे, और इन दो रन की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 77 रन। इनिंग का पांचवा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे रहबर। अबे तारिक को सामने लो, बहुत तेज फील्डर है, सामने जाएगी तभी तो। तो रहबर फिर से तैयार हैं, स्ट्राइक पर है मोनू, जो कि चार गेंदों में 13 रन बना करके खेल रहे हैं। एक बार फिर से अच्छी शॉट, सीधा साथ आपके हाथों में, और कोई रन लेने का मौका नहीं, बेहतरीन फील्ड। और अभी तक अच्छा ओवर गुजरता हुआ, दो गेंदों में सिर्फ दो ही रन आए हैं। और यहाँ पर अगर मोनू को विकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है संबल क्रिकेट क्लब को। मुरादाबाद के सलामी दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे एक रन आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़कर के पहुंचा 78 रन 78। इनिंग का पांचवा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए रहबर। अब स्ट्राइक पर आए हैं अहमद, साजिद के विकेट होने के बाद स्ट्राइक पर आए हैं अहमद। रहबर तैयार हैं बिल्कुल, फिर से अच्छी गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। और अभी तक अच्छा ओवर गुजरता हुआ, रहबर पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन दूसरा ओवर अभी तक जूझ बूझ करते हुए, एक दुग्गी और एक सिंगल आया है अभी तक। एक बार फिर रहबर, स्ट्राइक पर है अहमद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, हवा में शॉट, लेकिन सीधा स्टेडियम के बाहर, सीधे 6 रन, और इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचा 84 रन। इनिंग का पांचवा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए रहबर। अभी तक अच्छा ओवर गुजर रहा था, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद और अहमद का बेहतरीन शॉट, सीधे 6 रन। एक बार फिर रहबर, इस ओवर में आखिरी मरतबा स्ट्राइक पर है अहमद। हवा में एक गेंद, लेकिन सीधा, जब तक तारिक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन आसानी से मिल जाएगा। और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचा 83 रन 83। तो अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए छठा ओवर लेकर के आए खासा परवेज, स्ट्राइक पर है अहमद। तो पांच ओवरों के बाद स्कोर है 83 रन, दो विकेट के नुकसान पर मुरादाबाद क्रिकेट क्लब। ये 70,000 रुपये का मैच चल रहा है। स्ट्राइक पर है अहमद, बहुत बेहतरीन शॉट मारा था पिछले ओवर में, 4 रन मारे थे, एक चौका मारा था। एक बार फिर से अच्छी गेंद खासा परवेज की, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे एक रन आसानी से मिल जाएगा, और एक से ही संतुष्ट रहना होगा अहमद को। अब स्ट्राइक पर है मोनू, मोनू वर्सेस खासा, संबल के सबसे तेज सबसे बेहतरीन बॉलर खासा परवेज, और मुरादाबाद के बेहतरीन बल्लेबाज मोनू स्ट्राइक पर मौजूद। तो इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचा है 84 रन। इनिंग का छठा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए खासा परवेज धीरे धीरे कदमों से चल दिए स्ट्राइक पर मोनू तैयार, और बेहतरीन गेंद,
बेहतरीन यॉर्कर डिलीवरी की गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 84 रन। इनिंग का छठा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए खासा परवेज, दोनों कवर हो जाएंगे, लड़के बैठे। एक बार फिर खासा परवेज चल दिए धीरे धीरे कदमों से, स्ट्राइक पर है मोनू और ये बेहतरीन शॉट हवा में, गेंद फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 6 रन और इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचा 90 रन। बेहतरीन बहुत लंबा छक्का, 105 मीटर का छक्का है मोनू के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर खासा परवेज चल दिए स्ट्राइक पर है मोनू की विकेट लेना बेहद जरूरी है और संभल को ये मैच जीतना है तो। एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद और बेहतरीन शॉट लेग साइड की जानिब, सीधे 6 रन, ये उससे भी लंबा छक्का 112 मीटर का ये छक्का मारते हुए मोनू लगातार बैक टू बैक सिक्सेस। ओ स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 96 रन। इनिंग का छठा ओवर जारी जिसको अंजाम दे रहे हैं खासा परवेज। अगर मोनू का विकेट नहीं लेते हैं तो ये 10 ओवरों के अंदर मैच को समाप्त कर देंगे। मोनू बहुत खतरनाक मूड में आए हैं, एक बार फिर से जूझ बूझ के साथ, एक दो की कॉल की है, एक रन आसानी से मिलेगा लेकिन हल्की सी फील्डर की मिसफील्ड जिसके कारण मोनू ने दूसरा रन चुरा लिया और तीसरा भी लेना चाहते हैं लेकिन अच्छी कॉल पे उनके पार्टनर अहमद ने मना किया और 2 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इन 2 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के पहुंचा 98। इनिंग का छठा ओवर जारी जिसको अंजाम दे रहे हैं खासा परवेज। तो एक बार फिर चल दिए खासा परवेज स्ट्राइक पर है मोनू, 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। एक बार फिर से अच्छी गेंद यॉर्कर डिलीवरी की, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद और 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब आए हैं शादाब, पहली गेंद और बेहतरीन गेंद, खराब गेंद दी है लेकिन अच्छा शॉट नहीं मार पाए अहमद, 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 99-99। इनिंग का 7वां और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के आए हैं शादाब। अब स्ट्राइक पर आए हैं मोनू, उनका सामना करेंगे, देखते हैं किस तरह से उनका सामना करते हैं मोनू। अभी तक लंबे लंबे छक्के लगा चुके हैं, 4 छक्के अपनी पारी में लगा चुके हैं मोनू। एक बार शादाब की अच्छी गेंद और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, बेहतरीन गेंद देखने को मिली हमें शादाब की। तो एक बार फिर शादाब स्ट्राइक पर है मोनू और एक बार फिर लो फुल टॉस गेंद हवा में, गेंद फील्डर वहां पर मौजूद, देखते हैं क्या कैच ले पाएगा और बेहतरीन सफलता मिलती हुई मोनू जो कि बहुत खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे उनका विकेट लेते हुए पहले ही ओवर में। शादाब ने अपनी टीम को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है बेहतरीन विकेट निकालते हुए शादाब अपने स्पेल के पहले ही ओवर में। और ये तीसरा झटका लगता हुआ मोनू के रूप में मुरादाबाद क्रिकेट क्लब को 99 रन के स्कोर पर। तो मोनू के स्थान पर आए मोहम्मद वसीम। शादाब बेहतरीन ओवर करते हुए अभी तक और एक बार फिर से अंपायर के हाथ हवा में उठते हुए और इस वाइट की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 100 रन। एक बार फिर से अच्छी गेंद शादाब की, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से मिल जाएगा, हल्की सी खराब फील्ड लेकिन उसके पीछे खासा परवेज और फील्डर मौजूद थे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ करके पहुंचा 101 रन। इनिंग का 7वां और अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे शादाब। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शादाब एक सफलता मिल चुकी है, सबसे खतरनाक बल्लेबाज मोनू की सफलता प्राप्त कर चुके हैं मोहम्मद शादाब। अब स्ट्राइक पर है अहमद रजा, सामना करेंगे शादाब का। एक बार फिर से हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, देखते हैं क्या कैच ले पाएंगे और बेहतरीन कैच और बेहतरीन विकेट गिरता हुआ शादाब। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए आज के मैच के हीरो बन सकते हैं शादाब। दूसरा विकेट गिरता हुआ इसी ओवर में 101 रन के स्कोर पर, चौथे विकेट का पतन होता हुआ मुरादाबाद क्रिकेट क्लब का।
और शादाब ने इस मैच में भरपूर वापसी करा दी है संबल को। और अब आए अज्जू, और अज्जू का अच्छा शॉट, पीछे फील्डर सचिन काफी, और अच्छी फील्डिंग बिल्कुल बांध दिया है शादाब ने इस ओवर में। बड़े बड़े झटके दे दिए मुरादाबाद को शादाब ने। अभी भी जीत के लिए 59 रन चाहिए, 5 ओवरों में जीत के लिए चाहिए 59 रन मुरादाबाद को। इनिंग का बढ़िया बॉल रैबर द्वारा, इनिंग का 8वां ओवर लेकर आए रैबर, और शानदार बॉल पहली बॉल रैबर की। एक बार फिर चले रैबर वसीम के लिए, और अच्छी बॉल थी ये भी, काफ़ी तेज आते हुए तारिक बॉल की तरफ। स्कोर बढ़कर पहुंचा 102 रन। अगर ये मैच जीतना है मुरादाबाद को तो अज्जू को लास्ट तक खड़े रहना होगा। बड़े बल्लेबाज हैं अज्जू, एक बार फिर चले रैबर अज्जू के लिए, और फिर से अच्छी बॉल रैबर के द्वारा। स्कोर बढ़कर पहुंचा 103 रन। एक बार फिर चले रैबर वसीम के लिए, और वसीम ने उठाकर मारा है पीछे फील्डर साजा शादाब और खावी, और अच्छा कैच सचिन खावी द्वारा, और लगातार विकेटों का पतन हो रहा है मुरादाबाद की ओर से। अच्छा स्कोर चल रहा था अब तक, और काफ़ी विकेट गिरा दिए हैं मुरादाबाद ने, शायद 5 विकेट गिर चुके हैं मुरादाबाद के। 102 रनों पर 5वां झटका लगाए हैं मुरादाबाद को। एक बार फिर चले रैबर अर्जुन बाली के लिए, और काफ़ी अच्छी और कर बॉल, बहुत अंदर बॉल थी है, एक रन और मिलता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 104 रन। इन्हीं का ये 8वां ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं रैबर, काफ़ी अच्छी वापसी शादाब कप्तान ने कराई अपनी टीम को। 2 बड़े झटके दिए थे उस ओवर में मोनू और अहमद के बीच, अहमद के रूप में। अज्जू काफ़ी देर बाद बल्लेबाजी करने आए हैं, अज्जू बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, इतनी लेट पता नहीं क्यों आए हैं। एक बार फिर चले, और रन अप में थोड़ी कमी। एक बार फिर चले रैबर अज्जू के लिए, और अच्छा बॉल एक बार फिर रैबर द्वारा। स्कोर बढ़कर पहुंचा 105, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 105 रन। और इनिंग का नाम और अपने कोटे का 2रा ओवर लेकर आए शादाब सामने अज्जू। एम्पायर का इशारा वाइट रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 106 रन। और ये मगरिब की अजानें होते हुए थोड़ी देर शांत रहेंगे हम। अभी जाना
बढ़िया शाबाश। कितना चाहिए था कप्तान? और ये इनिंग का 9वां ओवर है, स्कोर हो चुका है 116 रन और अंधेरा भी होता जा रहा है, काफ़ी तेज़ मौसम गिरता हुआ, बादल हैं इस टाइम ग्राउंड पर और एक रन और मिलता हुआ और काफ़ी तेज़ रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर बढ़कर पहुंचा 118 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 118 रन, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अज्जू। और 9 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 119 रन मुरादाबाद का। इनिंग का 10वां ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लाए उस्मानी और ख़राब बॉल और 4 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 123 रन, 123 हो चुका है मुरादाबाद का स्कोर। एक बार फिर से उस्मानी अज्जू के लिए और अच्छी बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 124 रन। एक बार फिर से चले उस्मानी और अच्छी बॉल उस्मानी द्वारा, स्कोर अभी भी 123 रन, अभी भी जीत के लिए 35 रन चाहिए। दो तीन एक बार फिर उस्मान चले अर्जुन माली के लिए और अच्छी बॉल, एक रन और मिलता हुआ, एम्पायर का इशारा 9 बॉल। अभी भी 15 बॉल पर 33 रन जीत के लिए चाहिए और ये फिर 8 बॉल, गेंद तेजी से और अच्छी फील्डिंग में कितने चाहिए शान भाई? दो में अभी भी जीत के लिए चाहिए 30 रन, अभी भी चाहिए 12 बॉल पे 29 रन और अब ओवर लाए मोनू और अच्छी बॉल, अभी भी 11 बॉल पर 29 रन की दरकार, अंधेरा हो चुका है, इनिंग का ये 11वां ओवर है, जीत के लिए चाहिए 29 रन 11 बॉल पर। एक बार फिर चले मोनू छोटू के लिए और छोटू ने उठाकर मारा है पीछे फील्डर अबू जाना और कैच आउट, काफ़ी अच्छा कैच अबू जाना का, अभी भी जीत के लिए चाहिए 29 रन और अब बल्लेबाजी करने आए रोहित और फिर से अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट, 9 बॉल पर जीत के लिए चाहिए 28। अब उन्हें गेंद ना दिख रहा भाई, नीचे को बैठ जाओ, नीचे को गेंद ना दिख रही, नीचे को बैठो, नीचे को, इधर को बॉल जा रही। 9 बॉलों पर जीत के लिए चाहिए 28 रन और फिर से उठाकर मारा है पीछे फील्डर और 2 रन और मिलते हुए जीत के लिए चाहिए अभी भी 26 रन, 8 बॉलों में अभी भी 26 रनों की दरकार, 8 बॉल पर 26 रनों की दरकार और काफ़ी अच्छी बॉल यहाँ मोनू द्वारा और अंधेरा काफ़ी हो चुका है ग्राउंड पे, इसलिए वीडियो थोड़ी ख़राब आ रही है। अभी भी 7 बॉलों पर 26 रन चाहिए अभी भी 27 बॉल पर और फिर से अच्छा शॉट रोहित का और 4 रन, जीत के लिए चाहिए। क्या है जावेद भाई ये छक्का के? जीत के लिए चाहिए 22 रन, 7 बॉले 22 रन और एम्पायर का इशारा वाइट, अभी भी चाहिए 21 रन, 7 बॉल पर 21 रन, चाहिए
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दो ले लिए, दो तीन और छह बॉलों पर 19 रन की दरकार मुरादाबाद को इस मैच को जीतने के लिए। एक ओवर में 18 रन ओवर ले रहे हैं उस्मानी और काफी अच्छी बॉल, काफी तेज बॉल, 5 बॉल 18 रन। जीत के लिए 4 बॉल पर 17 रन और एक और अच्छी बॉल, अभी भी जीत के लिए चाहिए, 3 बॉल पर 15 रन और 2 रन लिए थे, 15 चाहिए 3 बॉल पर। काफ़ी अंधेरा हुआ है ग्राउंड में, बिल्कुल भी बॉल नहीं दिख रही हमें भी और वीडियो भी क्वालिटी ख़राब हो गई है। और फिर से अच्छी बॉल, 2 बॉल पर और ये मैच संभल ने जीत लिया है, मुरादाबाद ने हार मान ली है, संभल ये मैच जीत चुका है।